नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर को सुबह सुबह फिलिस्तीनी संगठन हमास की सेनाओं ने इसराइल के कई इलाकों पर हमला कर दिया था। रॉकेट्स और लैंड आर्मर्ड व्हीकल्स वाहनों द्वारा किए गए हमलों में सैकड़ों सिविलियंस और आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल मारे गए। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देने से बहुत पहले संभावना है कि विदेश कार्यालय संपूर्ण घटनाक्रम को एसेस करना चाहती थी। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंसू बहा दिए। ठीक शाम 7:44 पर उन्होंने ट्वीट किया, Deeply shocked by the news of the terrorist attack in Israel. Our thoughts and prayers are with the innocent victims and their families. We stand in solidarity with Israel at this hour. मोदी का ये ट्वीट, जिसके बाद उन्होंने 10 अक्टूबर को इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत की और उसके बाद एक और ट्वीट किया, दोनों विवादास्पद हो गए। दूसरे ट्वीट में मोदी ने लिखा, इंडिया स्ट्रॉन्गली एंड अनइक्विवोकली कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। हमास के हमले के कुछ ही घंटों के भीतर इसराइल ने गाजा में फिलिस्तीनी सिविलियंस के खिलाफ जवाबी या फिर रिटेलिएटरी एक्शन शुरू कर दिया था, लेकिन मोदी ने केवल हमास की कार्रवाई की निंदा की, इसराइल डिफेंस फोर्सेस की निंदा नहीं की कि वे सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं। कई हफ्तों के बाद 17 नवंबर को मोदी ने इसराइल हमास युद्ध में सिविलियन कैजुअल्टीज की निंदा की। ये भारत द्वारा आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल समिट में उनके उद्घाटन भाषण में था। एक स्तर पर उन ट्वीट्स ने संकेत दिया, भारत केवल इजरायल के साथ मित्रता और समर्थन प्रदर्शित कर रहा है। ये रुख फिलिस्तीन के समर्थन में भारत के ट्रेडिशनल स्टांस के बिल्कुल विपरीत था। इसके पहले कि आप अपनी आंखें झपकाते, सोशल मीडिया इसराइल के समर्थन में और एंटायर फिलिस्तीनी पॉपुलेस को निंदा करने वाले बयानों से भर गया। किसी भी सिंपलिस्टिक और नफरत भरे पोस्ट में इस तथ्य का कोई जानकारी नहीं दी गई कि हमास को सभी फिलिस्तीनियों ने कभी समर्थन नहीं दिया है। वो फिलिस्तीनियों के वॉइस नहीं थे, यहां तक कि गाजा में भी नहीं। एक प्रसिद्ध हिंदू राइट विंग एक्टिविस्ट ने ट्वीट किया, इंडिया शुड सेंड ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स एंड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स टू इसराइल। एक और ने लिखा, व्हाट इज हैपनिंग विद इसराइल टुडे विल हैपन with every country in future which refuses to surrender before radical Islamic terrorism. India has suffered it a lot and that is why we must stand with Israel. इतने firm शब्द थे उनके इसराइल के समर्थन में आके खड़े होने के लिए, पैलेस्टीन के सपोर्ट में एक भी बात नहीं। एक तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यह है कि हिंदुत्व सोशल मीडिया ग्रुप्स में इसराइल के लिए हिंदू समर्थन पर एम्फेसिस क्यों दिया गया, ना कि भारतीय समर्थन पर। प्रभावी रूप से इसका मतलब यह था कि इसराइल में सरकार के समर्थन के पीछे हिंदू थे, ना कि भारत सरकार। मीडिया रिपोर्ट्स ने एक विशेष ट्वीट पर ध्यान आकर्षित किया, लिखा था, डू वॉट यू हैव टू डू, All the positive energy from the Hindus will help you win. आपने Zionism के बारे में सुना होगा। सवाल यह है कि हिंदुत्ववादी नेता मोदी से लेकर कई अन्य
उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स और राजनीतिक वर्कर्स स्पष्ट रूप से ज़ायनिज्म के समर्थन में क्यों सामने आए हैं। दरअसल मोदी और नेतन्याहू एक रिएक्शनरी आइडियोलॉजी शेयर करते हैं जो न केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है बल्कि आम तौर पर सभी लोगों के खिलाफ है, मतलब आम जनता के खिलाफ। हिंदुत्व और ज़ायनिज्म में कई समानताएं हैं, दोनों ही मुस्लिम अल्पसंख्यकों को टारगेट बनाने का समर्थन करते हैं। साथ ही वे पौराणिक कथाओं यानी माइथोलॉजी को भी इतिहास बताने की कोशिश करते हैं। दोनों के राजनीतिक अभियान और उनकी सफलताएं इतिहास के फॉल्सिफिकेशन या फिर डिस्टॉर्शन पर आधारित है। इसके साथ ही हाल के वर्षों में दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ घनिष्ठ राजनीतिक और मिलिट्री संबंध डीपन किए हैं। भारत में मोदी सरकार के हर आलोचक को हिंदू हेटर के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है, ये बहुत आम बात है। इसी तरह से नेतन्याहू सरकार के किसी भी आलोचक या क्रिटिक को यहूदी विरोधी करार दिया जाता है। भाजपा और मोदी जैसे लीडर्स की सोच उनके आइडियोलॉग्स विनायक दामोदर सावरकर और माधव सदाशिव गोलवालकर के फिलॉसफी से विकसित हुई है। आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत भी अक्सर इसराइल की तारीफ करते हैं। उन्होंने इसराइल की मजबूत नीतियों का हवाला दिया है, कैसे छोटे राष्ट्र होने के बावजूद उसने कई युद्ध जीते। संकेत उनका स्पष्ट है, भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए, देश के बाहर और अपने ही लोगों के खिलाफ भी। हालांकि एक अजीब विरोधाभास है, ये वेल एस्टैब्लिश्ड है कि सावरकर, केशव बलिराम हेडगेवार, बीएस मुंजे और फिर गोलवालकर, ये सभी नाजीज और इटालियन फासिस्ट के समर्थक थे। विशेष रूप से उन्होंने यहूदियों के विरुद्ध नाजी अभियान का समर्थन किया, लेकिन साथ ही उन्होंने फिलिस्तीनी राष्ट्र के भीतर यहूदियों की सो कॉल्ड मातृभूमि को बसाने की मांग का भी समर्थन किया। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सावरकर ने अपने मौलिक जो ट्रीटाइस है एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व जो 1923 में लिखा गया था, उसकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन तब किया जब मुसलमान ओटोमान साम्राज्य के भीतर खलीफा की बहाली के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। हिंदुस्तान में इसे खिलाफत आंदोलन के नाम से चलाया गया था और गांधी जी ने इसका समर्थन किया था, कांग्रेस के पॉलिटिकल एजेंडे में इसे शामिल किया गया था, हम सब जानते हैं। यहूदी और मुस्लिम होमलैंड के पक्ष और विपक्ष में तर्कों ने ही सावरकर को हिंदू पुण्य भूमि का विचार फॉर्मुलेट करने के लिए इंस्पायर किया। सावरकर ने अपनी पहली पुस्तक के बाद एक और उल्लेखनीय किताब हिंदू पद पदाशाही लिखी थी। उस वक्त वे रत्नागिरी में रेस्ट्रिक्टेड डिटेंशन में थे। उन्होंने यहूदियों के इतिहास का अध्ययन किया और उस किताब में लिखा, आई हैड स्टडीड Jewish history with interest and appreciation when I was reading the Old Testament, especially in relation with the bitter struggle of their nation and its heroes for emancipation from the thraldom into which it had passed in its unfortunate history. Their helplessness and anguish and their efforts to set the race free had struck a sympathetic chord in my heart at that time. चतुर्वेदी पर अपनी पुस्तक में एकेडमिक विनायक चतुर्वेदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की। The question of loyalty to India and seeing it as a homeland were important to Savarkar, especially in his discussions of
जूज क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। चतुर्वेदी ने लिखा सावरकर सॉ नो पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ हिंदूज विद जूज। मोरओवर जूज वर ऑलरेडी वेल इंटीग्रेटेड विद हिंदूज एंड सिंस क्रिश्चियंस वर लिंग्विस्टिकली एंड कल्चरली अलाइंड विद हिंदूज दे कुड ऑल्सो बी असिमिलेटेड इन टू हिंदू इंडिया। ही व्यूड क्रिश्चियंस एज अ सिविल माइनॉरिटी सिविल दैट डिड नॉट हैव एक्स्ट्रा टेरिस्टोरियल पोलिटिकल डिजाइंस अगेंस्ट इंडिया अनकोट। ऑल द सेम देयर वॉज रेसिडुअल एम्बिवलेंस इन सावरकर्स व्यूज ऑफ क्रिश्चियंस बिकॉज ही फेल्ट इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर हिंदूज टू रीकन्वर्ट क्रिश्चियंस एज पार्ट ऑफ अ शुद्धि मूवमेंट। द फोकस ऑफ सावरकर्स कंसर्न रिगार्डिंग माइनॉरिटीज सेंटर्ड ऑन मुस्लिम्स, चतुर्वेदी ने टिप्पणी की, सारा का सारा माइनॉरिटी का जो सोच विचार था वो सिर्फ मुसलमानों के प्रति था। लेकिन सावरकर का मानना था कि चूंकि हिंदू एक डोमिनेंट मेजॉरिटी हैं, इसीलिए वे प्रतिशोध के साथ मुसलमानों को जवाब दे सकते हैं। सावरकर की एग्जैक्ट लाइन ये थी उनकी उस किताब में, इफ वी हिंदूज ग्रो स्ट्रॉन्गर इन टाइम दीज मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ द मुस्लिम लीग टाइप will have to play the part of German Jews. समझ गए आप? सावरकर का ये बयान December 1938 में अपने हिंदू महासभा के अध्यक्षीय भाषण या presidential speech के दौरान बोला गया था। सावरकर के उस important भाषण के एक महीने पहले 9 नवंबर को जर्मनी में यहूदियों के नरसंहार या मैसकर और उत्पीड़न को क्रिस्टल नाख टूटे शीशों की रात का नाम दिया गया है। नाजी शासन में यहूदियों पर हुए अत्याचार में यह एक महत्वपूर्ण तारीख थी, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जिसको कहते हैं। विनायक चतुर्वेदी ने अपने किताब में लिखा है, डिड सावरकर want to assure his audience that Hindus in the Indian state had a plan for Muslims inspired by the Nazi persecution of Jews in Germany. वही बर्ताव क्या मुसलमानों के साथ किया जाएगा जो जर्मनी में जूज के साथ किया गया था। Whatever his intent, विनायक चतुर्वेदी आगे लिखे, whatever his intent, his address was certainly read as a message and celebrated at the Akhil Bhartiya Hindu Mahasabha meeting in Ahmedabad or kahan in 1939. The closing speaker here, Bhai Parmanand, recommended that Savarkar, quote unquote, make the presidential address your main kampf. Parmanand then turned to the audience and said, make Savarkar your Führer and in no time your nation will rise to the pinnacles of glory. मतलब सावरकर को वही दर्जा दीजिए जो जर्मनी में हिटलर को दिया गया था। वर्तमान संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि यहूदी प्रश्न पर सावरकर के एक बयान में विरोधाभास था। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस के उस प्रस्ताव की निंदा की जिसमें कहा गया था कि जर्मनी में सताए जा रहे गैर भारतीय यहूदियों को यदि वे चाहें तो भारत में बसने की अनुमति दी जाए। सावरकर ने कहा कि विदेशियों को भारत में बसने की इजाजत देकर हिंदुओं ने पहले भी बड़ी मूर्खता की है, इसे दोहराना नहीं चाहिए। फिर भी सावरकर ने यहूदियों के प्रति एवरी सिंपथी व्यक्त की। लिखा उन्होंने, द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द जूइश क्वेश्चन कैन ओनली बी फाउंड इन एन अनरिस्ट्रिक्टेड रीकॉलोनाइजेशन ऑफ पैलेस्टाइन बाय द जूइश पीपल
टू हूम अलोन इट बिलोंग्स एज देयर मदरलैंड एज वेल एज देयर होली लैंड. इट इज द अरब्स हु फोर्सिबली एंड रूथलेसली डिप्राइव्ड द ज्यूज ऑफ देयर बर्थ प्लेस एंड ड्रोव आउट ज्यूज आउट ऑफ पैलेस्टाइन. स्टेटमेंट्स ऑफ गांधी एंड अदर्स that Palestine belongs to the Arabs and that Jews are aliens there is due to either an amazing ignorance of history or a deliberate and cowardly misrepresentation of facts with a view of placating Indian Muslims. Consequently, I call upon the British government to continue their policy of re-establishing the European Jews and enabling them to raise a strong Jewish nation once again in Palestine, their real motherland and holy land. बिल्कुल स्पष्ट रूप से सावरकर ने अरब वर्ल्ड के खिलाफ इस्लाम विरोधी एक मिलिटरीली मजबूत इसराइल की कल्पना की थी. वही विचार अब भारत के हिंदुत्ववादियों को प्रेरित करता है. बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी सावरकर के विचारों को किस हद तक और कब तक अपनाएंगे. सोचिए जरा. नमस्कार.